अब रात भर आपका गला रेस्ट हुआ है, उसके बाद पहली बार कुछ गाने जा रहे हो तो गला एकदम तैयार नहीं होता है, तो थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए 1 से 2 मिनट हमिंग कर ली उसी सुर पर, उसके बाद आप एक एक करके इन 5 अक्षरों को बोलना शुरू करोगे तो फुल फ्रेश हो गए। थोड़ा घूम लो, है ना, खुली हवा में सवेरे सवेरे की शीतल हवा ले लो, ठंडी ठंडी हवा ले लो, उससे क्या है ऑटोमेटिकली बॉडी में ऑक्सीजन आ गई, क्योंकि रात भर सोए हुए हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है और उसी में पूरा मूड भी है आपका। तो थोड़ा घूम लिए, स्ट्रेचिंग कर ली थोड़ी सी, एक्सरसाइज पर भी लोग सवाल करते हैं कि रियाज में एक्सरसाइज कितनी करनी है, यानी फिजिकल वर्कआउट, है ना। आपको मैं ये भी अलाउ करता हूं, मैं तो, कि दोपहर में शाम में भी करके देख लेना इस रियाज को, और सवेरे भी करके देख लेना, खुद कंपैरिजन बेस आपको मिल जाएगा, है ना। खाना खा के भी करके देख लेना, बगैर खाए भी करके देख लेना, बीच में पानी पीकर भी देख लेना, और बिना पिए भी करके देख लेना, है ना, खुली छूट है। लेकिन जॉन एलिया साहब कहते हैं कि कौन समझा है फकत बातों से, फकत उर्दू का शब्द है जिसका मतलब होता है सिर्फ, ओनली। कौन समझा है फकत बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन जिसमें रिकॉर्डेड नहीं लाइव क्लासेस होंगी, 1-on-1 गुरु आपके सामने बैठ के आपको सिखाएंगे। अभी डाउनलोड कीजिए संगीत धारा SPW और सीखिए संगीत प्रवाह वर्ल्ड की पूरी फैकल्टी से संगीत। शुरू में क्या होता है, जैसे लोग कहते हैं ना हमिंग, हमिंग का रियाज, हमिंग से एक बार वार्म अप हो जाता है, तो भले ही आप जैसी सा लगा रहे हो पहले सुर को सुनो 2 से 5 मिनट। मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ रियाज पर बैठने से पहले कि स्टेप्स क्या हैं, सुर को सुनना है, उसके बाद भले ही उसके साथ हम कर लो, और ये नोट्स नोट कर लो ये, क्योंकि याद नहीं रहेंगी चीज़ें। ये पहला स्टेप है लिसनिंग द सुर, लिसनिंग द पिच, सुन लिया। सेकेंड स्टेप है उसके साथ हम की ध्वनि में हमकार करेंगे 1 से 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट में गला सेट हो जाएगा। एकदम से बोलने जाओगे ना तो डिस्टॉर्ट होगा, सुर एक बार में लगेगा नहीं, क्योंकि सवेरे का टाइम होता है ना, एकदम बिना बोले आप रात भर आपका गला रेस्ट हुआ है, उसके बाद पहली बार कुछ गाने जा रहे हो तो गला एकदम तैयार नहीं होता, तो थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए 1 से 2 मिनट हमिंग कर ली उसी सुर पर, उसके बाद आप एक एक करके इन 5 अक्षरों को बोलना शुरू करोगे। उसमें यूं कर लो कि हमिंग के बाद 1 से 2 मिनट ओम लगा लो, है ना, जैसे पहले हमिंग करी 1 से 2 मिनट, फिर 1 से 2 मिनट आपने क्या किया, ओम लगा लिया, और ओम लगाने के बाद 1 से 2 मिनट, ज़्यादा नहीं लगाना, उसके तुरंत बाद आपको ये 5 अक्षर बोलना शुरू करना है। अब आपके ऊपर है टाइम मैनेजमेंट, आप कैसे करते हो। मैं आपको कह रहा हूँ कि शुरुआत में आपकी कैपेसिटी अगर आधे घंटे की है तो उस आधे घंटे में आपको ये कैसे बांटना है, शेड्यूल कैसे करना है, ये मैं नहीं बता सकता, ये आप अपना खुद ऑब्जर्वेशन करके बताओगे कि मेरी कैपेसिटी इतनी है कि नहीं, मैं तो 1 घंटा गाऊंगा तो भी मेरा गला दुख नहीं रहा है, है ना। अब मैंने कह दिया कि नहीं 2 घंटा ज़बरदस्ती करना है तो गले को खींचोगे तो ख़राब हो जाएगा, तो वो नहीं करना, खुद देख लो अपनी कैपेसिटी, सवेरे उठ के देखो क्या बन रही है, वो जैसे ही बनी आधे घंटे में ये कैसे फिट हो रहा है, किसको कितना टाइम देना है, टाइम मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, है ना, वो आपको खुद को करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। फिर धीरे धीरे कैसे कितनी देर उसको करके स्पीड बढ़ानी है वो भी आपके ऊपर है, क्योंकि वो इतने टाइम में आपको, भाई मैंने आपको आधा घंटा दिया है करने को, या मैंने नहीं, आपकी कैपेसिटी ने, आपकी क्षमता ने आपको अलाउ किया है कि आधे ही घंटे गा पाओगे भैया, अभी आधे घंटे रेगुलर, बीच में ब्रेक नहीं देना है, यहाँ पे ब्रेक देते ही तो मामला खराब हो गया। और ब्रेक्स कैसे कैसे आ जाते हैं, पानी पीना है, गला सूख गया, या उठ के चले गए वॉशरूम, या किसी से बातचीत कर ली, और ये सारे मैंने पहले ही मना किए हैं। रियाज में एक बार बैठ गए, कोशिश करो कि उठना ना पड़े, है ना, कुछ भी आ जाए उठना ना पड़े कोशिश करो, है ना, इमरजेंसीज हैं तो बात अलग है, पर जाहिर बात है कोशिश करेंगे हम कि एक बार एकांत। इसीलिए मैंने रियाज के लिए कई सूटेबल सिचुएशंस की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहला यही आता है, एकांत। कोशिश करना है कि अकेले में हो, अकेले में होगा, अकेले में करने का बेनिफिट यह है कि डिस्टर्बेंस कम होगा, है ना, फिर हम धीरे धीरे इसको अलग डिस्टर्बेंस में भी ले जाएंगे, ऐसा नहीं है, हम खुद टेस्ट करेंगे कि हमारा सुर कितना पक्का है, हम डिस्टर्बेंस में भी बैठ के कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, दोनों स्टेजेस होंगी। पहले आप अकेले में कर लीजिए, थोड़ा कच्चा पक्का जैसा हो गया, फिर हम डिस्टर्बेंस में भी करेंगे, जैसे आप दोनों का पिच अलग अलग है, हम ये एक्सरसाइज भी करेंगे कि अभी तो आप शुरुआत में दोनों अलग अलग कमरों में रियाज कर रहे हो, फिर आप दोनों एक ही कमरे में रियाज करोगे, अब जब एक ही कमरों में करोगे तो आप गा रहे होगे पहली काली से, वो गा रही होंगी 5वीं काली से, तो बिल्कुल विपरीत जाएगा, पिच अलग अलग लगेंगे, तब भी अपनी अपनी जगह आप मजबूत टिके हुए हैं कि नहीं, है कि नहीं, तो ये भी करेंगे डिस्टर्बेंस में भी करेंगे, लेकिन पहला अभी शुरुआती दौर है तो डिस्टर्बेंस के लिए कुछ होना भी तो चाहिए, तैयार होगा तब तो डिस्टर्ब नहीं होगे, वरना तो पहले दिन मैंने कह दिया कि चलो दोनों साथ में लगाओ तो दोनों का ही बेड़ा गर्क है ना, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग, पहले सबसे पहली कंडीशन क्या, सॉलिट्यूड, एकांत जरूरी है, उसके बाद आप फ्रेशनड अप होने चाहिए, फ्रेशनड अप यानी मुंह साफ होना चाहिए, पेट साफ होना चाहिए, शरीर साफ होना चाहिए, सफाई का काम है रियाज, क्योंकि रियाज साधना है, साधना पूजा है, और पूजा
बासे मुंह बासे शरीर से नहीं होती है, है ना? क्यों नहीं होती है? इसके दो कारण, स्पिरिचुअल भी बता दिया मैंने कि भाई जाहिर बात है आप बहुत पाक बहुत पवित्र काम करने जा रहे हो तो गंदगी लेकर आप वहां नहीं जाते हो, गंदगी लेके पवित्र काम नहीं होता। ये तो हो गया स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। अब इसका फिजिकल एस्पेक्ट भी देख लीजिए। अगर आप सुर गा रहे हो, है ना, खुद ब खुद गाओगे आपको अनकंफर्टेबल महसूस होगा, है ना, मुंह से स्मेल आएगी क्योंकि सांस का काम है ना, तो वो सांस कहाँ जाएगी, बदबू तो रहेगी। इसीलिए रात में ही आपको ब्रश करके सोना है और सवेरे भी ब्रश करना है। मुंह एकदम क्लीन होना चाहिए, पेट साफ होगा तो काम सही होगा, नहीं तो बीच में उठना पड़ जाएगा। क्योंकि ये मैं विद एक्सपीरियंसेस और एकदम साइंटिफिक रीजंस बता रहा हूँ मैं आपको इसके, क्योंकि गाने का काम है छोड़ना बाहर, सांस के थ्रू आप आवाज़ बाहर निकाल रहे हो, तो पेट अगर में अगर अंदर कुछ है कचरा है तो वो बाहर आने के लिए फिर वो उबाल मारेगा, आपको एसिडिटी होने के फुल चांसेस हैं, है ना, आपको प्रेशर बनने लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं टेक्निकल भी बता रहा हूँ आपको, स्पिरिचुअल भी बता रहा हूँ, तो ये इन सारी चीज़ों की वजह से रीज़न है जो जो मैं बता रहा हूँ उसके। ऐसा नहीं कि सिर्फ बातें हैं कि मेरे कहे अनुसार कर लो, नहीं, करके देख लेना इसका एक बार ऑपोजिट, मालूम चल जाएगा असर क्या होता है, है ना। आपको मैं ये भी अलाउ करता हूँ मैं तो कि दोपहर में शाम में भी करके देख लेना इस रियाज को और सवेरे भी करके देख लेना, खुद कंपैरिजन बेस आपको मिल जाएगा, है ना। खाना खा के भी करके देख लेना, बगैर खाए भी करके देख लेना, बीच में पानी पीकर भी देख लेना और बिना पिए भी करके देख लेना, है ना, खुली छूट है। लेकिन जॉन एलिया साहब कहते हैं कि कौन समझा है फकत बातों से, फकत उर्दू का शब्द है जिसका मतलब होता है सिर्फ, ओनली। कौन समझा है फकत बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है, है ना, बगैर हादसे के कोई नहीं समझता है। टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स यू नीड टू लिव देम, अंडरस्टैंडिंग, है ना, अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको जीना पड़ जाता है, बगैर उसके समझ नहीं आती। हम तो कितना ही कह दें कि बेटा बारिश में मत जाना, भीग जाओगे बीमार हो जाओगे, लेकिन जब तक बच्चा बारिश में नहीं जाएगा, भीगेगा नहीं बीमार नहीं होगा, तब तक उसे कभी समझ नहीं आएगा कि बारिश में जाने से और अनसेफ जाने से बीमारी फैलती है, बीमार हो सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ें हैं, कौन समझा है फकत बातों से। तो ये क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं भुगत चुका हूँ, कर चुका हूँ, ये जो रियाज के मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ खोखले फलसफे नहीं है, खोखली बातें नहीं है, ये सारी मैंने करी हैं, ये गलतियाँ भी मैंने करी हैं, कुछ मैंने जानबूझ के करी हैं और कुछ अनजाने में करी हैं, है ना। ये गलतियाँ कि बीच में पानी पी लिया या बोल लिए तो उसका असर क्या हुआ, ये प्रैक्टिकल अप्रोचेज हैं मेरी सारी, मैं कोई भी बात थ्योरेटिकल नहीं बताता हूँ, है ना। अगर मैंने ये भी बोला है कि इसको करने से ये बुरा होगा तो वो है बोला है, है ना। तो ये जो जो मैंने बातें बताई सारी एक्सपीरियंस्ड हैं और सारी प्रैक्टिकल बातें हैं कि रियाज में सॉलिट्यूड चाहिए, एकांत चाहिए, बीच में बोलना नहीं, पानी नहीं पीना और फ्रेशन अप होके बैठो। बासा बासा बैठोगे मज़ा ही नहीं आएगा, आपको एनर्जी नहीं आएगी, नींद आएगी सबसे पहली चीज़, है ना। तो सवेरे उठ रहे हो और रात में नहीं सोए हो तो सवेरे नींद आना लाजमी है, और हम ऐसा भी फिजिकल नहीं कर रहे हैं वर्कआउट के सवेरे उठते ही, हमारा काम गले का काम है तो बैठने वाला काम है, तो वैसे ही जैसे ही स्थिरता आई नहीं शरीर में, आंखें बंद हुई नहीं कि तल्लीन से पहले तो सो जाओगे, है ना, वो तल्लीनता आने में तो बाद की बात है, पहले नींद आ जाएगी, है ना। तो वो नींद ना आए उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें वो भी ध्यान रख लो, क्या करना है, सबसे पहले उठते ही फ्रेशन अप हो गए, है ना, पेट साफ मुँह साफ थोड़ा सा, और नहा लो तो बहुत ही बढ़िया, अगर सवेरे उठ के स्नान कर लिया तो बहुत ज़्यादा बढ़िया, एकदम ताजगी आ गई फिर तो। लेकिन अगर वो नहीं होता है, वैसे तो होना चाहिए, नहीं होता है तो एटलीस्ट इतना तो कर ही लेना, फेस वॉश कर लेना, मुंह धो लेना, है ना। ये वो बातें हैं जो दिखने में लगती हैं कि मिनियल से यार इनको किनका क्या फर्क पड़ता है, कि डायरेक्ट डायरेक्ट रियाज बताओ ना, पर ये ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं, क्योंकि रियाज तो सब बताते हैं पर रियाज करना कैसे ये नहीं लोग बताते हैं, है ना। तो रियाज तो मैंने बता दिया आपको, अभी पूरा का पूरा रियाज सुना दिया ना मैंने कि ओम का रियाज है, ऐसे ऐसे करना है, आप कर लेना, आपकी जब इच्छा पड़े जब करना, जितनी देर चाहे जब करना, लेकिन कैसे कर रहे हो, गलत ढंग से करते रहोगे और फिर असर भी एक्सपेक्ट करते हो तो वो नहीं होता है, है ना। तो तरीके बदलने पड़ते हैं। ये आइंस्टीन का है शायद कि इंसेनिटी की परिभाषा उन्होंने ऐसे ही बताई थी कि एक ही चीज़ को सेम तरीके से बार बार करते रहना और डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करना, इट इज़ इंसेनिटी, है ना। इंसेनिटी की परिभाषा उन्होंने ऐसे दी थी, वो मुझे इंग्लिश का एग्जैक्ट कोट याद नहीं है, बट हाँ ये बात ये है कि एक ही चीज़ को बार बार करते रहना, उसी तरीके से करते रहना और रिजल्ट्स आपको डिफरेंट चाहिए तो वो मुमकिन नहीं है, है ना। इसे बेवकूफ़ी कहेंगे, हिमाकत कहेंगे या फूलिशनेस कहेंगे, इंसेनिटी कहेंगे, ठीक है। तो फुल फ्रेश हो गए, थोड़ा घूम लो, है ना, खुली हवा में सवेरे सवेरे की शीतल हवा ले लो, ठंडी ठंडी हवा ले लो, उससे क्या है ऑटोमेटिकली बॉडी में ऑक्सीजन आ गई, क्योंकि रात भर सोए हुए हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है और उसी में पूरा मूड भी है आपका। तो थोड़ा घूम लिए, स्ट्रेचिंग कर ली थोड़ी सी, एक्सरसाइज पर भी लोग सवाल करते हैं कि रियाज में एक्सरसाइज कितनी करनी है, यानी फिजिकल वर्कआउट, कि भाई हम जिम करते हैं क्योंकि या जॉगिंग करते हैं तो उसके बाद रियाज करें या रियाज के बाद वो करें, ये भी कुछ डाउट्स रहते हैं।
अगर आप वर्कआउट भी करते हैं तो हैवी वर्कआउट्स नहीं करने एक सिंगर को, सिंगर को हैवी वर्कआउट्स करने ही नहीं होते हैं। जिम वगैरह तो अगर हो सके जितना अवॉइड करे वो, है ना, पर जिम में भी अगर जा रहा है तो वो वाली एक्सरसाइजेस नहीं करनी जो रिगरस हैं, जो सांस के लिए बहुत ज़्यादा हैवी हैं, जिसमें सांस का बहुत ज़्यादा काम है। स्विमिंग है जैसे, बांसुरी बजाना जैसे है, ये सिंगर को अवॉइड करनी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ सांस का बहुत ज़्यादा काम है, तो सांस का जितना ज़्यादा उधर यूज़ कर लेगा तो गाने में कम पड़ जाएगी, गा ही नहीं पाएगा, सांस कम पड़ जाएगी। इसलिए जो फ्लॉटिस्ट होते हैं, जो बांसुरी बजाते हैं, उनकी सांस गाने में बिल्कुल नहीं हो पाती, गले में सुर नहीं लगता उनका, तो वो सब अवॉइड करें, स्विमिंग अवॉइड करें। और सवेरे उठ के ठीक है थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर ली, हाथ पांव सीधे हो गए, बैठ गए, कमर सीधी हो गई, ताकि बॉडी भी जो है थकान एक बार उससे भाग जाए। जब थकान भाग गई एकदम यूं उठ गए तो रियाज अच्छा होगा। सवेरे उठने में बड़ी दिक्कत आती है कि उठे कैसे, तो बिस्तर छोड़ो, सबसे पहला काम होता है सवेरे उठने का, कि अगर उठना है तो बिस्तर त्यागो, अपने आप नींद भग जाएगी। बिस्तर पे पड़े पड़े सोचते रहे यार कैसे उठें, उठना तो है यार 10 मिनट बाकी, उठूं क्या, ये अगर वहां बैठे बैठे मंथन किया ना वो फिर नींद नहीं जाएगी, वो नींद आ जाएगी। ये भी मैं विद एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये भी बातें ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी वाली है, ये मैं जानी है, वैसे उन्होंने बताई थी मुझे ये, पर मैंने अनुभव भी करी, मैंने कहा करके देखें एक बार होता क्या है, तो करके देखा तो ये रिजल्ट मिला कि वो नींद आ ही जाती है। तो बिस्तर त्यागना है, तुरंत उठ जाओ, आंख खुलते ही सबसे पहला काम करो जमीन पे कूदो, है ना, मतलब बिस्तर से जमीन पे कूदो, अपने आप नींद खुल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें ध्यान रखो। हवा ले लो थोड़ी सी, हवा पानी आ गया, थोड़ा अंदर आ गया, गर्म पानी पी लो, ठंडा पानी पी लो, उसका तो कोई उतना नहीं है, पर गले पे स्ट्रेन ना पड़े इसलिए ज्यादा ठंडा पानी भी मत पीना सवेरे सवेरे उठते ही। जब एकदम बॉडी तैयार है अब रियाज पे बैठो, देखिए आपको पहले ही दिन इसका असर होगा, है ना, सवेरे करो, सूर्य उदय से पहले करो, तो इसका एक्चुअल बेनिफिट आपको होगा।